राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ सोनल। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाऊंगी नमक पारे। इन्हें मटरी भी बोला जाता है। ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है। स्नैक के रूप में आप इसे कभी भी बनाकर चाय के साथ खा सकते हैं। ये छोटों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद होती है और ये बहुत ही बनाना इजी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कटोरी के बराबर मैदा ले ली है। अब इस मैदा को हम छलनी से अच्छे से छान लेंगे। मैदे के आटे को छानने से इसमें जो भी गंदगी होगी वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। अब इसे छानने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से मट्ठी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और चम्मच से आटे में सेंटर में हम इसमें 2 बड़े चम्मच के बराबर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से आटा मारने में आसानी रहती है। अब हम अजवाइन, नमक और ऑयल तीनों को आटे में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। हमें बिल्कुल पूड़ी जैसा डो बनाना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। डो को मारते वक्त थोड़े थोड़े पानी का ही यूज़ करें। अब ये एक अच्छा सा डो बन गया है। हमें इसे मीडियम ही आटा मारना है, बिल्कुल टाइट ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और हमारा पानी आधे से भी कम यूज़ हुआ है। तो रेस्ट के बाद अब हम आटे को देखेंगे और थोड़े से इसे हाथों से प्रेशर देके दबाते हुए बनाएंगे। अब हम आटे को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसकी हम 4 लोइयां रेडी कर लेंगे। लोइयां इस तरह से होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं बने। इसी तरीके से हम सभी लोइयों को गोलाकार में बना लेंगे। अब हम इनमें से 1 लोई लेकर उसको गोलाकार में बेलते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे के आटे को स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आटे में हमने ऑयल डाला था, इससे आटा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और देखिए, इसी गोल आकार में आप लंबा लंबा बेलते जाइए। और देखिए, हमने है ना आटे को अच्छी तरीके से लोई को बेल लिया है। इसको बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने आटा अच्छे से मारा है तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक साइड से आप किनारे से पकड़ते हुए चाकू से लंबी लेंथ वाइज इसे काटते जाइए। मटरी बनाना बहुत ही आसान होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखिए, हमने एक साइड से इसे लेंथ वाइज काट लिया है। अब हम छोटे छोटे कट लगाते हुए तिरछा भी काट लेंगे। मटरी को आप लंबा छोटा जिस भी आकार में रखना चाहते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही ये चिपकेंगे क्योंकि इसमें आटे में ऑयल डला हुआ है। तो आप इसी तरीके से निकालते जाइए। आप इन्हें चाय के साथ या ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में, और छोटे बच्चों के लिए तो अक्सर हम घर में बना के रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपनी मटरियाँ निकाल ली हैं। तब तक हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब ऑयल को चेक करने के लिए इसमें 1 मटरी डाल के देखेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम सारी मटरी के जो भी पीसेस काटे हैं हम उसको डाल देंगे। ये बिल्कुल भी ऑयल में नहीं चिपकेंगी, एक ही थोड़ी देर बाद अलग अलग हो जाएंगी। तो आप बड़े ही हल्के हाथों से इन्हें अच्छे से फ्राई करते रहें। और जब भी आप मटरी को सेकें तो लो टू मीडियम ही रखें गैस को। जब भी आप मटरियाँ सेकें तो तेज़ आंच पर ना सेकें, क्योंकि ये ऊपर से सिक जाएंगी पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस बात का ध्यान जरूर दें। मटरियों को सेकते वक्त गैस की फ्लेम को लो ही रखें।
मठरियों को दोनों साइड से बराबर सेकते रहें, नहीं तो एक साइड से ये डार्क हो जाएंगी। मठरियों को दोनों साइड से आप सेकेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और देखिए हमारी मठरी अब सेक चुकी हैं, यही कलर होना चाहिए मठरियों का। मठरियों के सेकने के बाद अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ये मठरियाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। बच्चों को आप स्नैक के रूप में बनाकर दे सकते हैं या खुद भी चाय के साथ किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। थैंक यू।